हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी मूवी है आफ्टर आर्क। फिल्म की शुरुआत में हमें पिता सिफर और उसके बेटे किताई को दिखाया जाता है, जो कि एक प्लेन में सफर कर रहे थे, लेकिन तभी उनका प्लेन टूट जाता है और सीधे जमीन पर क्रैश हो जाता है। फिर हम किताई को देखते हैं, जिसकी हमें बैकग्राउंड आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह कहता है कि मैंने सुना था कि पृथ्वी एक खूबसूरत प्लेनेट है, लेकिन आज से 1000 साल पहले इंसानों ने ही इसे जहरीली गैसों और प्रदूषण से तबाह कर दिया और इंसानों के रहने के लायक नहीं छोड़ा। अब इंसानों की नस्ल को बचाने के लिए अमेरिका द्वारा कुछ रेंजर्स की टीम बनाई गई, जो सारे इंसानों को उनके नए ग्रह नोवा प्राइम पर ले गए। लेकिन उस ग्रह पर भी इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। वहाँ पर एलियंस कब्जा करना चाहते थे और इंसानों को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने क्रीचर आरसा को भेजा, जो कि देख नहीं सकते परंतु इंसानों के डर को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद वह इंसानों की जान ले लेते हैं, जिस वजह से इंसानों की जाति फिर से खतरे में आ गई और उन्हें इस समस्या का हल एक रेंजर सिफर के रूप में मिला है, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। इस कारण वह क्रीचर सिफर को महसूस नहीं कर पाते और वह बड़ी ही आसानी से उस क्रीचर को मार देते हैं। लेकिन इंसानों को अब रेंजर्स की आवश्यकता फिर से आन पड़ी है। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेंजर्स की ट्रेनिंग चल रही थी और उनके साथ किताई भी था, जहां कमांडर किताई को कहता है कि तुम्हारा किसी भी चीज में कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम मैदान में उतरते ही डर जाते हो, जिस कारण मैं तुम्हें रेंजर नहीं बना सकता। लेकिन किताई उनसे विनती करता है कि मैं अपने पिताजी को बताना चाहता हूं कि मैं भी एक रेंजर बन सकता हूं। लेकिन कमांडर कहते हैं कि तुम अभी भी तैयार नहीं हो, जिसके बाद वह नामे ही जवाब देते हैं। अब सिफर घर आ चुका था और रात को खाने के समय वह किताई को पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। किताई कहता है कि कमांडो ने मुझे रेंजर बनाने से मना कर दिया, जिसके जवाब में सिफर कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मना कर दिया होगा। फिर किताई वहां से दुखी होकर जाने लगता है, लेकिन सिफर उसे रोकता है और एक पिता बनकर नहीं बल्कि एक रेंजर की भांति उसे समझाने लगता है, जिसके बाद रात को सिफर अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं आखिरी बार अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने जा रहा हूं और ट्रेनिंग के बाद मैं अपने इस्तीफे की घोषणा कर दूंगा, जिसे सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है कि किताई सिर्फ उसकी बहन के साथ हुए हादसे के कारण परेशान रहता है। दरअसल उसकी बड़ी बहन को एक आरसा ने मार दिया था और उस समय किताई भी वही मौजूद था, पर वह अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, जिसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। और उसकी पत्नी सिफर को कहती है कि उसके साथ एक रेंजर वाला नहीं बल्कि एक पिता जैसा व्यवहार करो, उसे पिता के प्यार की सख्त जरूरत है। जो सुनकर सिफर किताई के कमरे में आकर उसे कहता है कि तुम कल मेरे साथ चलोगे, जिसे सुनकर किताई बहुत खुश हो जाता है। अब अगले दिन सिफर किताई और बाकी रेंजर्स किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाते हैं और हम देखते हैं कि किताई अपने पिताजी के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था और उन्होंने स्पेसशिप में एक आरसा को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी दूसरे प्लेनेट पर उस आरसा के साथ ट्रेनिंग होने वाली थी। लेकिन जब सब लोग सो रहे होते हैं तो किताई चोरी छुपे जाकर उस आरसा को देखने जाता है, लेकिन आगे कुछ गार्ड बैठे होते हैं, वो उसे आगे जाने से रोक लेते हैं। लेकिन कुछ गार्ड कहते हैं कि यह सिफर का बेटा है, उसे देखने दो। अब किताई आरसा के नजदीक जाने लगता है, लेकिन उसे तभी अपनी बड़ी बहन का एक विजन आता है। उसकी बड़ी बहन उसे एक कांच के गोले में डालकर खुद आरसा से लड़ने के लिए चली जाती है, जिसके कारण वह बहुत डर जाता है और उसके डर को महसूस करके आरसा भी घुराने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सिफर आ जाता है, जो कहता है कि हम उस क्लिनिक पर पहुंचने ही वाले हैं, सब लोग तैयार हो जाए। और फिर सिफर वहां से पायलट रूप में आ जाता है, लेकिन उनका अंतरिक्ष यान एक उल्का पिंड के तूफान फंस जाता है, जिसके कारण उनके अंतरिक्ष यान को बहुत ही भारी नुकसान होता है, जिस कारण सिफर पायलट को नजदीकी प्लेनेट पर लैंड करने के लिए कहता है। अब पायलट स्पेसशिप को पूरी रफ्तार से उस प्लेनेट की ओर ले जाता है, किंतु उस प्लेनेट के पास आते ही उन्हें कंप्यूटर की तरफ से एक वार्निंग मिलती है कि उस प्लेनेट को इंसानों के लिए सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, यहाँ पर उतरने की कोशिश ना करें। जिसके बाद सिफर कहीं और जाने के लिए कहता है, लेकिन पायलट कहता है कि हमारे यान को बहुत ही भारी नुकसान पहुँचा है, हम इसे और कहीं नहीं ले जा सकते। फिर अंतरिक्ष यान उस प्लेनेट की ओर गिरने लगता है, जिसके बाद सिफर किताई के पास जाता है और यह वही वक्त है जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। और फिर देखते ही देखते वह अंतरिक्ष यान 2 हिस्सों में टूटकर उस प्लेनेट पर गिर जाता है और किताई को होश आने के बाद वो अपने चारों और अपने साथियों को तलाशने लगता है, परंतु उस हादसे के कारण उन सारे रेंजर्स की मृत्यु हो गई थी। वह देखता है कि उन रेंजर्स के मृत शरीर वहां पड़े हुए थे और थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने पिताजी बेहोशी की हालत में दिखाई देते हैं, परंतु इस दुर्घटना में उनके दोनों पैर टूट चुके हैं, जिन्हें देखकर किताई रोने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद सिफर को होश आ जाता है। फिर वह सिफर को बताता है कि इस दुर्घटना में हमारे सभी रेंजर मारे जा चुके हैं और यान का आधा हिस्सा भी गायब है। फिर सिफर किताई को यूटिलिटी कंपार्टमेंट से बीकन लाने को कहते हैं,
जो अंतरिक्ष में दूर तक संपर्क करने के योग्य है, पर जब किटाई उस यंत्र को उठाता है तो वो देखता है कि वो यंत्र टूट चुका है। फिर सिफर कंप्यूटर के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा कहां पर है, और फिर उन्हें यह पता चलता है कि यान का दूसरा हिस्सा यहां से 100 किलोमीटर दूर है। सिफर किटाई को कहते हैं कि तुम्हें दूसरे हिस्से के पास जाना होगा और वहां से दूसरा बीकन लेकर आना होगा, नहीं तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि इस प्लेनेट की सारी चीजें इंसानों को मारने के लिए ही पैदा हुई है, और यह प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही थी, जो कि अब इंसानों के रहने के लायक नहीं बची थी। यह सुनने के बाद किटाई और भी घबरा जाता है, जिस पर सिफर कहते हैं कि तुम्हारा लिया हर वो फैसला हमारी जिंदगी या मौत का फैसला हो सकता है। सिफर किटाई को इन्हेलर देता है जो कि तुम्हें ऑक्सीजन लेने में मदद करेंगे, और तुम्हें यह हर 24 घंटे में एक लेना है, और तुम्हारे सूट में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जिससे कि मैं तुम्हें यहां बैठा देख पाऊंगा और तुम्हें गाइड कर पाऊंगा। और सिफर उसे अपना एडवांस लेवल का C40 देता है जिसके अंदर 22 अलग अलग तरह के हथियार हैं। अब उनकी सारी बातें सुनने के बाद किटाई बाहर आकर एक पहाड़ पर चढ़ने लगता है, और ऊपर पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि हजारों सालों से इंसानों की धरती पर ना होने की वजह से धरती पोल्यूशन मुक्त हो चुकी थी, मानो जैसे वह फिर से जी उठी हो। दूसरी तरफ हम सिफर को देखते हैं जो कि अपना पैर चेक करता है, और उसे पता चलता है कि उसके पैर का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उसे पेन किलर लेना होगा, जिसकी वजह से उसे नींद आएगी और वह किटाई को गाइड नहीं कर पाएगा, जिस कारण वह पेन किलर नहीं लेता। दूसरी तरफ किटाई आगे बढ़ रहा होता है कि तभी सिफर उसे कहता है कि तुम्हारी तरफ कोई जिंदा जी आ रहा है, तुम होशियार हो जाओ। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा बंदर आ जाता है जिसे देखकर किटाई डर जाता है। अब सिफर कैसे तो किटाई को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन किटाई बहुत डर जाता है, जिस कारण वह एक पत्थर उठाकर उस बंदर को मार देता है, और फिर देखते ही देखते उस बंदर के बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं जो कि किटाई पर हमला कर देते हैं। फिर सिफर उसे गाइड करता है और कहता है कि यहां से 200 मीटर पर एक नदी है, उस नदी में जाकर छुप जाओ। और फिर किटाई नदी की तरफ भागने लगता है, और नदी के पास पहुंचने के बाद वह नदी में कूद जाता है और वो बंदर उसका पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन किटाई अब भी डर के मारे वहां से भागे जा रहा था। सिफर उसे कहता है कि तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, रुक जाओ, जिसके बाद वह घुटने के बल बैठ जाता है, और सिफर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में जहर फैल रहा है, अपने शरीर को तुरंत चेक करो। जिसके बाद अपने हाथ को देखने पर वह देखता है कि उसके हाथ पर एक कीड़ा है जिसने उसे काट लिया था, और अब किटाई को धुंधला दिखाई देने लगता है। सिफर उसे मेडिकल किट से एक जहर रोधक इंजेक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन एक इंजेक्शन लेने के बाद किटाई के हाथ सुन्न होने लगते हैं, वह दूसरा इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा था, जिसके बाद सिफर उसे कहता है कि इंजेक्शन को अपने दिल पर सीधा रखो और जमीन पर गिर जाओ, और फिर किटाई ऐसा ही करता है, जिसके बाद सिफर उसे आराम करने के लिए कहता है जब तक कि दवा का असर ना हो जाए। अब सिफर उसे जल्दी से उठने के लिए कहता है क्योंकि तापमान तेजी से नीचे गिर रहा था। वो उसे बताता है कि तुम्हें 50 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, क्योंकि वहां पर एक गर्म जगह है जहां पर तुम रात बिता सकते हो। फिर किटाई बिना रुके भागने लगता है। दूसरी तरफ सिफर बिना पेन के लिए अपने पैर का ऑपरेशन शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन वो किटाई को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। और अब भागते भागते किटाई गर्म जगह पर पहुंच जाता है। अब सिफर किटाई को दूसरा इन्हेलर लेने के लिए कहता है, लेकिन किटाई देखता है कि उनमें से दो इन्हेलर टूट चुके थे, लेकिन वह इसके बारे में सिफर को नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सिफर उसे आगे जाने नहीं देगा। लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन दोनों की जान अब उसी के हाथ में थी। रात को वहीं रुकने के बाद किटाई अगले दिन आगे बढ़ने लगता है। फिर सिफर उसे बताता है कि आगे एक झरना है, तुम्हें वहीं पर जाना है। दूसरी तरफ अब क्योंकि सिफर ने पेन किलर नहीं लिया था तो उसका ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता, पर अब भी वह इसके बारे में किटाई को नहीं बताते। और अब किटाई झरने के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सिफर किटाई के पास जो भी है उसे दिखाने के लिए कहते हैं। लेकिन अब उसके पास सिर्फ दो ही इन्हेलर बचे थे, लेकिन वह कहता है इनसे ही मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। वहीं अब सिफर को कंप्यूटर से पता चलता है कि कोई रास्ता ना होने की वजह से झरने से कूद के ही आगे जाया जा सकता है, जिस कारण सिफर उसे आदेश देता है कि तुम वापस आ जाओ, आगे तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन किटाई वापस आने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मेरी बड़ी बहन ने भी मुझे उस कांच के गोले से बाहर न आने के लिए कहा था, और उस वक्त मैंने वो आदेश मान लिया था, जिस वजह से आज उसकी बहन उसके साथ नहीं है, और अब मैं कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा और इस मिशन को पूरा करके ही रहूंगा। और यह कहते ही वह झरने से सीधे नीचे छलांग लगा देता है, और उसका सूट बहुत ही एडवांस था, जिस वजह से वो हवा में उड़ने लगता है, पर तभी एक बड़ा पक्षी उसके पीछे लग जाता है, और किटाई अब उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह पक्षी अंत में उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सिफर का कैमरा भी बंद हो जाता है, जिस वजह से अब वो उसे देख भी नहीं सकता, और किटाई की आंख खुलने पर वह अपने आप को उस पक्षी के घोंसले पर पाता है, जहां उस पक्षी के बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन तभी कुछ लेपर्ड उन पर हमला कर देते हैं। कुछ लेपर्ड को वह पक्षी खींचकर बाहर फेंक देता है, लेकिन जो अंदर आ गए थे उन्हें किटाई C40 हथियार से मारकर वहां से भगा देता है। लेकिन अब उस पक्षी के सारे बच्चे मर चुके थे, जिन्हें देखकर वह पक्षी रो रहा था। लेकिन किटाई आगे बढ़ जाता है, और अब वो भी सिफर से संपर्क नहीं कर पा रहा था। फिर सिफर को उसके कैमरों के जरिए कुछ पायलट मृत अवस्था में पेड़ पर लटके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें आरसा ने ही मारा था।
जिससे आप सिफर को समझ में आ जाता है कि जिस आरसा को उन्होंने बंदी बनाया था वह अब आजाद हो चुका है। लेकिन किटाई अब भी आगे बढ़ रहा था और अब वह एक गुफा में आ जाता है जहां पर उसे एक रहस्यमयी उड़ने वाला सांप दिखाई देता है और अगले दिन वह आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास आता है जहां आगे बढ़ने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और वह एक नाव बनाकर पानी में उतर जाता है और नदी में तैरते हुए उसकी आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपनी नाव को एक जगह पर रुका हुआ पाता है क्योंकि ठंड बहुत पड़ जाने के कारण पानी जमने लगा था। इसलिए वह नाव से उतरकर आगे बढ़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद बर्फ भी गिर नहीं लगती है और ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण किटाई के हाथ पैर जमने लगते हैं और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बेहोश होने के बाद कोई अनजान चीज उसे खींचकर कहीं ले जाती है और किटाई की आँख खुलने के बाद वह खुद को झाड़ियों के बीच में पाता है। अब जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे वही पक्षी मृत अवस्था में वहाँ पर दिखाई देता है जिसने रात भर किटाई को ठंड से बचाकर अपनी जान दे दी, जिसे देख वो एकदम से दुखी हो जाता है और अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वह आगे बढ़ने का सोचता है लेकिन काफी समय से इन्हेलर नहीं लेने के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है और थोड़ा आगे जाने पर उसे स्पेसशिप का एक टुकड़ा दिखाई देता है। इसलिए वह सीधे पेड़ पर चढ़कर स्पेशल को ढूंढने लगता है जो भाग्य से उसे दिखाई दे जाता है। इसके बाद तुरंत वहां पहुंचकर सबसे पहले वो इन्हेलर लेता है जिसकी वजह से वह थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है, जिसके बाद वह सिफर से संपर्क करने की कोशिश करता है और सिफर को तो उसकी आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन किटाई को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर किटाई बीकन से नोवा प्राइम के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि आसमान में बादलों की एक परत जम गई थी जिस वजह से बीकन काम नहीं कर पा रहा था। अब किटाई को पहाड़ के ऊपर चढ़कर फिर से बीकन के साथ संपर्क करने की कोशिश करनी होगी। किटाई पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है और वहां उसे एक रेंजर का शव दिखाई देता है जिससे वह एकदम भयभीत हो जाता है और सिफर को पता चलता है कि किटाई के डर के कारण आरसा ने उसे ढूंढ लिया है और अब वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ किटाई भी पहाड़ की एक गुफा के पास पहुंच जाता है परंतु तभी आरसा उस पर हमला कर देता है जिससे डरकर किटाई भागने लगता है और भागते हुए पानी में गिर जाता है। वहीं सिफर बार बार बिना पेन किलर के ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण वह बहुत कमजोर होता जा रहा है। यहाँ किटाई पानी से बाहर आकर पत्थरों की मदद से ऊपर जा रहा होता है परंतु आरसा पीछे से आकर उसके पांव को पकड़ लेता है। किटाई अपने हथियार को पत्थरों के बीच फंसा कर वहीं पर लटक जाता है। किटाई किसी तरह आरसा को नीचे धकेल कर पहाड़ के ऊपर आ जाता है और फिर किटाई जल्दी जल्दी बीकन से संपर्क करने की कोशिश करता है जिसके बाद आरसा वहां पर आकर फिर से उस पर हमला कर देता है जिसके कारण किटाई बहुत ही घायल हो जाता है। किंतु फिर उसे अपनी बहन की याद आने लगती है और अब वह अपनी बहन को याद करके अपने डर पर काबू पा लेता है जिस कारण अब आरसा उसे महसूस नहीं कर पा रहा होता और किटाई अपने हथियार को लेकर हमला शुरू कर देता है। फिर अपनी हिम्मत से काम लेते हुए अंत में वह उस आरसा को मार कर ही दम लेता है जो सब कुछ सिफर कैमरे से देख रहा होता है। अब किटाई भी बीकन से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है जिसके बाद कुछ सोल्जर्स आकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद किटाई अपने पिता से मिलने आता है जो कि खड़े होकर उसे सल्यूट करते हैं। किटाई रोते हुए अपने पिता के गले लग जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह मूवी तो समाप्त हो गई परंतु हमारी असल दुनिया की मूवी अभी शुरू होने वाली है क्योंकि जिस रफ्तार से इंसान इस स्वर्ग जैसी पृथ्वी को अथवा इसके जल थल और वायु को प्रदूषित कर रहा है वह दिन दूर नहीं जब इस मूवी में दिखाए गए हालात इंसानों पर होंगे और हमारे पास तो कोई नोवा प्राइम जैसा दूसरा ग्रह भी नहीं है जिस पर इंसान जीवित रह सके। प्रदूषण पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये लाइंस मेरी नहीं है किंतु हमारे भले के लिए है। प्रदूषण से हर कोई है परेशान, खतरे में है हर इंसान की जान, सभी लगाते हैं नारा मेरा भारत महान, पर स्वच्छता में बहुत कम लोगों का है योगदान। प्रदूषण को इसी तरह से जो बढ़ाओगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे मुंह दिखाओगे। प्रदूषण स्वास्थ्य को छीन लेता है फिर पूरा जीवन दुख देता है। बीमारी रूपी मुसीबत हर किसी के हिस्से में आया है, चाहे थोड़ा या ज्यादा सबने प्रदूषण फैलाया है। पर्यावरण प्रदूषण को इतना फैलाओगे तो प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच पाओगे। इंसान के पास ही इसका निवारण है, प्रदूषण सब बीमारियों का कारण है। क्या तुम्हें पता है ये प्रदूषण कितना बड़ा कीमत लेगा, आने वाली पीढ़ियों को जीने से पहले ही मार देगा। हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया सारी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंगा फिर अगली बारी।